गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा कल का ब्लॉग पसंद आया होगा। और सुबह का टाइम है और ये है मेरी चाय। और आज नाश्ते में मैंने बनाया है आलू का पराठा। अर्जुन उठ चुके हैं, ब्रश वश करके रेडी है। इनको भी नाश्ता लिया है कि नाश्ता कर लो जा करके, और यहाँ घूम रहे मेरे पीछे पीछे। पतिदेव तैयार हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अंश, ये मेरा छोटा बाबू, आज से बाय। पापा को बाय करो। अच्छा बेटो अंदर आओ, इनको जबरदस्ती अंदर करना पड़ेगा, ऐसे वो अंदर ही नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने ना थोड़े दिन पहले कई दिन हो गए, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 15 डेज, मैंने मीशो से एक कुर्ता और प्लाजो सेट ऑर्डर किया था। जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मैंने उसको ऑलरेडी पहना हुआ है। एंड इट्स इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, फिटिंग भी अच्छी है। अभी मैं ऐसे प्लाजो नहीं दिखा सकती, ये देखो दिस इज प्रिंटेड प्लाजो, मतलब इसका जो लुक है ओवरऑल बहुत अच्छा आ रहा है। मैं काम करूँगी, मैं जो इसका थंबनेल होता है मैं उसमें इसकी एक पूरी पिक्चर्स में डाल दूँगी ताकि आप देख सको। और हाँ, अगर कभी आप ख़रीदना चाहें, वैसे काफ़ी सोबर सिंपल सा है ये, इसमें ना ये फॉइल प्रिंट है। अब ये धोने के बाद कैसा होगा आई डोंट नो, अब धोने के बाद ये निकल जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हालांकि मैंने काफ़ी पहले भी एक मीशो से कुछ मंगवाया था तो देखने में अच्छा था, लेकिन जितनी बार मैंने उसको वॉश किया हर बार वो श्रिंक होता चला गया कि वो अब फिट ही नहीं होता, वो मतलब वो लार्ज से स्मॉल हो गया है। तो इसलिए मैंने इस बार बहुत ही डरते डरते मंगाया था, अगर यही पीस मंत्रा में मिलता तो मैं डेफिनेटली उसी से लेती, लेकिन ये चाहिए फिर मुझे उसमें दिखा नहीं, मैंने बहुत ही रिस्क ले करके, हालांकि ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट्स ओनली 550 रुपीज़, इस वजह से और रिस्क ले लिया, ये कॉस्टली नहीं है। अभी दादाजी मेरे हील्स ले करके आए हैं, इसका क्या करेगा, ये अपने शूज उतार करके मेरे हील्स पहन करके जा रहे हैं। किधर जा रहा है बाबू, कहाँ जा रहा है बाबू, गिर गया ना तो पैर में मोच आ जाएगी। नो, मत पहनो। मोच किसका बोलते हैं? आपके शूज का है। मोच किसका बोलते हैं? जो पैर ट्विस्ट हो जाता है ना, टूट मतलब, और मुड़ जाता है। लंच, हमारा लंच टाइम ओवर हो चुका है और मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर साइकिलिंग करेंगे, थोड़ी सी धूप लेंगे। We are heading towards the park, children's park. पहले भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, आते रहते हैं, अक्सर मैं आती हूँ यहाँ पे बच्चों को लेकर के, पर ब्लॉग में कभी शूट नहीं किया शायद, तो मैंने सोचा कि आज शूट कर लेती हूँ। ये मेरा बेबी है, इसको मैं ऐसे लेकर सके चलती हूँ आजकल, तो मुझे इसको गोद में नहीं लेना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है इसको लेकर के बाहर वॉक पे जाना। मैं थोड़ी देर बच्चों को लेकर के यहाँ पार्क में टहलती हूँ, एंड देन उसके बाद में फिर एक लगभग ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का एक राउंड है, वो बच्चों के साथ लगाती हूँ एंड देन बच्चों को लेकर के फिर घर वापस जाती हूँ। एक छोटा सा पार्क है हमारे कैंपस में, मेरे बच्चे थोड़ी देर यहाँ इंजॉय करेंगे। और ये जो मेरा छोटा सा लाल है ना, ये इतना शैतान है, ये जिस झूले में बैठ जाता है फिर उतरने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ कहाँ जाना है, उतरो जाओ, जिसमें झूले में बैठना है चलो। हाँ किसमें, अरे वाह, अरे
पूछो नहीं। हम लोग पार्क से निकल चुके हैं और अब जो है थोड़ी देर वॉक करेंगे। मैंने बताया था ना अभी कि अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का वॉक है, तो एक राउंड लगाते हैं हम लोग लंच के बाद। मतलब मेरे बच्चे साइकिल पर होते हैं, वैसे अर्जुन को, अंश को मैं अंश की साइकिल पे लेके जाती हूँ जिससे पीछे पैरेंटल कंट्रोल है, तो मुझे वॉक करने में आसानी होती है, इसको गोद में नहीं लेना पड़ता मेरे को। और अर्जुन अपनी साइकिल चलाता है, बस यहाँ से घर जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे। उल्टा क्यों आ रहे हो बेटा, सामने चलो। ये आपको नील गाय दिख रही है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ भी लगाए जाते हैं बड़े बड़े, पर इन नील गायों के चक्कर में ये जो है ना इन लोगों को ये सब बर्बाद करके रख देती हैं, कुछ भी ना बचा बचता ही नहीं है, सब सत्यानाश कर देती हैं। फाइनली वी आर बैक टू आवर बिल्डिंग, हम जाएंगे रेस्ट करेंगे। इन बच्चों को जहाँ लेके जाऊँ ना कि वहाँ जाके चिपक जाते हैं, ये वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेते। ये मेरा ये बनी छोटा सा खरगोश, छोटा सा बिल्लू, जहाँ जाता है वहाँ चिपक जाता है। पुच्चू देखो, अच्छा पुच्चू देखो, आज के लिए पुच्चू नहीं देता है। शाम का हो चुका है समय और ये है मेरा टी टाइम और हम लोग पी रहे हैं चाय, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं। बच्चों का दूध गर्म हो गया, लेकिन ज़्यादा गर्म हो गया है तब वो ठंडा हो रहा है। यहाँ मेरे दादू बैठे हैं, बड़े दादू, और उनके साथ हैं वो छोटे दादू। उनके तो इनका डांसिंग कैक्टस है, अब सारे काम यही लेकर के होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए दे दो उसको भी, अब जो है दिन भर सोते जागते हर समय जो है इनका जो है सिर्फ डांस कैक्टस ही चलता है। ये दूसरा, ये मेरा बिल्लू, ये मेरा बिल्लू, ये छोटा प्यारा बिल्लू, ये शैतानी बिल्लू। इनको आजकल इनकी ना गुस्सा बहुत ज्यादा हो रही है, इनको बहुत गुस्सा आता है, इनकी मन की नहीं करो तो ये चीजें तोड़ फोड़ कर आजकल, तो जो है अब इनके भी जो है मम्मा से पिटाई खाने वाले दिन आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये मम्मा से पिटाई पिट्टू पिट्टू खाई रहे करके पिटुक, क्योंकि जो है इनको गुस्सा बहुत आती है ना, गुस्सा इनको बहुत आती है। कैसे गुस्सा आती है बाबू को, कैसे गुस्सा करता है, गुस्सा कैसे होता है बाबू, ऐसे ऐसे कैसे कैसे गुस्सा करता है बेबी मेरा, कैसे गुच्छा करता है। अच्छा अच्छा देखना अंश, अभी ना देखना अभी अंश पोएम सुनाएगा। बोलो जॉनी जॉनी पापा ईटिंग शुगर पापा टेलिंग लाइज पापा ओपन योर माउथ वेरी गुड। देखा, यस नो समझ में नहीं आया लेकिन आप कहते ना भावनाओं को समझिए, उसने पूरी पोएम सुना दी है। ओपन योर माउथ वाला करेक्ट जाता है। रात का हो चला है समय और बस सब चिल्डर पार्टी जा रही है मेरी सोने आज, क्योंकि बहुत हम लोगों ने बच्चों ने बहुत मेहनत करी है यार, खेलने में बहुत खेले हैं यार। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।